नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूँ आपके साथ मोनिका क्रोवर। हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान, जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं एक गुरु की भांति, एक शिक्षक की भांति। जी हाँ, मैं बात करूँ द फेमस पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी की। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारी जन पत्रिका में कई योग ऐसे होते हैं जिनके लिए पूजन बेहद आवश्यक बताया जाता है, जैसे गणमूल दोष हो गया, कार्तिक हो गया, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये जो योग है ये हमारी जन पत्रिका में बनते किस प्रकार से हैं? जी, आइए दर्शकों बात करते हैं। कई बार आपका मानसिक स्थिति में बहुत सारी चीज़ें आपके चलती हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई बार आपको ये लगता है, क्या वास्तव में हमें कुछ विशेष ग्रहों का पूजन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? अब क्या हम ब्राह्मण से पूजन कराएं या ना कराएं? ये बहुत सारी बातें आपके दिलो दिमाग में आती हैं। आपके घर में ऐसे बच्चे होंगे जिनको कार्तिक शांति कराना आवश्यक होता है, आपके घर में ऐसे बच्चे होंगे जिनके गणमूल शांति कराना आवश्यक होता है। अब देखो, ये सब चीज़ें करा लेनी चाहिए, लेकिन अंधविश्वास के साथ नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ। हमारे कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में विशेष 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो, अगर इन 6 नक्षत्रों में कोई भी जातक पैदा हो, उस जातक की गंडमूल शांति कराना नितांत आवश्यक होता है, जिसमें आपका अश्वनी भी आता है, ज्येष्ठ आता है, मूल आता है, मगा आता है। अब अगर इन नक्षत्रों में आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई भी बालक ज्येष्ठ नक्षत्र में पैदा हुआ, अश्वनी नक्षत्र में पैदा हुआ, कोई भी बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, तो ऐसे जातक की गंडमूल शांति कराना आवश्यक है। देखो, जैसे मघ नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ, या ज्येष्ठा नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ, या मूल नक्षत्र में, अश्वनी में, भरणी में, किसी भी ऐसे नक्षत्र में बच्चा जब पैदा होता है, खास तौर से जो गंडमूल के 6 नक्षत्र होते हैं, अब इनमें से जब भी बालक पैदा होगा तो उसी नक्षत्र में उस बालक की शांति कराई जाती है। 27 नक्षत्र आते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर आज जो भी नक्षत्र चल रहा है, बाय द वे आज रोहिणी नक्षत्र है, तो 27वें दिन बाद नेचुरली रोहिणी नक्षत्र आएगा, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और वो रोज अलटते पलटते रहते हैं। अब 27वें दिन उस नक्षत्र की शांति होती है। अब अगर आपका बच्चा गणमूल नक्षत्र में पैदा हुआ, बाय द वे ज्येष्ठ नक्षत्र में आपकी बालक या बालिका पैदा हुई, पंडित जी ने देखा कि भाई ये तो ज्येष्ठा नक्षत्र की पैदाइश है और इस बच्चे के लिए गंडमूल शांति होनी चाहिए, तो गंडमूल नक्षत्र 27 दिन बाद आएगा, तो या तो 27वें दिन, जिस दिन वो 27वें दिन आता है, कभी आगे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है समय थोड़ा बहुत, तो उस नक्षत्र में ही उस बालक की शांति कराई जाती है। लेकिन कई बार हम नहीं, हमें पता होता, जन्म पत्रिका में हम नहीं समझ पाते, कई बार हम दरकिनार भी कर देते हैं, और कई बार हम जन्म पत्रिका बनवाते ही नहीं है जब बच्चा 20 साल का, 30 साल का, 25 साल का, या कई बार तो हम स्वयं जब 40-50 साल के हो जाते हैं तब बनवाते हैं अपनी, तब पता लगता है ऐसा है हमारे साथ। तो जब जागो तब सवेरा, जब आपको लगे भाई मैंने ये शांति नहीं कराई है तो उसको करा लेना चाहिए, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ। अब बड़ा अजीब सा प्रचलन आ गया है, एक दुकान पर जाओ 27 नदियों का जल वहीं मिल जाएगा, 27 गांव गांव की, शहरों की कंकड़ियाँ वहीं मिल जाएंगी, मृतिका वहीं मिल जाएगी, मिट्टी वहीं मिल जाएगी। ये नहीं साहब, ऐसे नहीं। अगर कराना है विधि विधान से कराइए। देखो, जिस समय ये विद्या पैदा हुई तो हमारे ऋषियों के द्वारा ये विद्या भारत में आई और भारत से विदेशों तक, सुदूर देशों तक ये विद्या ने अपने पैर पनपनाए, और आज पूरे विश्व में ज्योतिष का अपना एक परचम है, अगर सही ज्योतिष की जाती है। तो जिस समय हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने यह लिखा, खासतौर से ज्योतिष प्रकरण में, कि भाई इन नक्षत्रों में पैदा होने वाला जातक कई बार माँ पे भारी होता है, कई बार पिता पे भारी होता है, कई बार स्वयं पर भारी होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तभी तो कहते हैं कि कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि 27 दिन के बाद कहा जाता है, अब बच्चे का मुँह 27 दिन के बाद देखना। देखो, ये सारी बातें हैं, इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, ऐसा नहीं है कि इनके पीछे केवल एक धर्म शास्त्र ही आगे, साइंटिफिक रीजन भी है।
कुछ नक्षत्रों की बेलाएं ऐसी होती हैं जो बड़े विषैली बेलाएं होती हैं, उन नक्षत्रों में शुद्धिकरण होना परम आवश्यक होता है। और देखो हमारे ऋषियों की परपाटी, क्या बात है साहब, कि जैसे हम किसी नक्षत्र की शांति करते हैं तो उसमें औषधियों से स्नान कराया जाता है, माता को भी और उस बालक को भी औषधियों से स्नान कराया जाता है। जी हाँ, कम से कम 20-25 प्रकार की औषधियाँ दरदरे रूप में कूटी जाती हैं और उसको गर्म पानी में अच्छे से उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है, उस वनस्पतियों का एक तरह से उसमें अर्क आ जाता है। और 27वें दिन बाद उस महिला को भी, कहते हैं जच्चा को भी और बच्चा को भी, दोनों को अच्छे से उसमें स्नान कराया जाता है, छींटे दिए जाते हैं, और 27 छिद्र वाली छलनी से या मटके से, 27 छिद्र यानी कि 27 जो नक्षत्र होते हैं, और जब उन दिव्य औषधियों को उनके ऊपर स्नान होता है, उससे बच्चे का आरोग्य, बच्चे के अंदर अगर कोई ऐसी बीमारियां उस नक्षत्र की वजह से आ सकती हैं वो दूर होती हैं, और उसमें सारी एक से एक लाजवाब आयुर्वेदिक जड़ियां होती हैं। तो देखो पूरा मेडिकल रीजन हुआ ना। अब तो मेडिकल भी कहती है कि जिस रूम में आप बीमार हैं या कुछ ऐसा होता है वहाँ डिटॉल लगाएं, फलाना छिड़काव करें, ऐसा करें, ऐसा पोंछा लगाएं, कहती है ना मेडिकल साइंस भी, और इतना हम भी समझते हैं। तो अगर हमारे ऋषियों ने ऐसा बोला कि देखो बेटा जो बच्चा इस प्रकार के नक्षत्र में पैदा हो रहा है उसे इस प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियों का स्नान कराओ, तो इसमें कौन सा गलत है, आप बताइए। क्यों नहीं ये साइंस हुई, क्यों नहीं ये विद्या हुई, क्यों नहीं मेडिकल साइंस इसका मेल जोल है पूरा, लेकिन हम समझते नहीं है। कई बार हम ऐसे ऐसा योग कर बैठते हैं, हमें पता नहीं होता, अब केवल घंटी हिलाई, घंटी हिलाई, हाँ 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 किया और साहब हो गया साहब। अरे ऐसे थोड़ी, आपको पता नहीं लगा साहब घनमूल पूजन कैसे होता है, साहब शांति कैसे होती है, पूरे विधि विधान से जो आचार्य होते हैं, जो वास्तव में कर्मकांड के विख्यात प्रकांड ब्राह्मण होते हैं, आप एक बार ढंग से कराइए तब आपको पता लगेगा कि पूजन के अंदर कितनी संवेदनाएं होती हैं और पूजन से कितनी नितांत बीमारियां जरूर दूर होती हैं। तो घनमूल शांति कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं मानूंगा कि एक दुकान पे गए और वहां से आपने, उसमें कहा गया है ना 27 अलग अलग ग्राम की मिट्टी, 27 जगह के वृक्षों के पत्ते, 27 नदियों का जल। अब ठीक है 27 नदियों का आप जल नहीं ला सकते, तो 27 मंदिरों से आप जल कलेक्ट कर सकते हो, इतनी माफी भगवान भी कर देता है। अब दुकान पे क्या है कि एक ही टोटी का भरा हुआ जल है, आपको क्या पता जल में कोई उसमें संख्या थोड़ी लिखी है कि मैं फलाने शहर से हूँ, मैं फलाने शहर से हूँ। तो जब इस प्रकार की मिलावट वाली चीज़ें भी हमें मिलती हैं और कई बार मंत्रों में अशुद्धि होती है, शुद्ध प्रकरण नहीं होता है, शुद्ध आचार्य नहीं होते हैं, शुद्ध संस्कृत का भान नहीं होता, उस समय फिर गलतियाँ हो जाती हैं और आपका सब्जेक्ट बिगड़ जाता है। और भी बहुत कुछ है आज का एक खास कार्यक्रम हिंदू संस्कृति के नाते, आप जरूर सुनिएगा। जी चलिए आगे भी हमारा प्रोग्राम ये आप बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी, ज्ञानवर्धक बातें आपको जानने समझने को मिलेंगी। पर दर्शकों जब बात व्यक्तिगत तौर पर आती है, अपने जीवन को संवारने की आती है, आपकी जीवन पत्रिका में भी किसी प्रकार का कोई दोष है या जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं शर्मा जी से, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, कहीं दूर दराज रहते हैं मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा 10 से शाम 6 बजे के बीच में। जो बात मैं आपसे करूंगी वो थोड़ी कड़वी है पर सत्य है, कई जगह देखने को मिलती है। पूजन आपने कहा पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए, करें तो विधि विधान से करें वरना नहीं करें। कई बार हम देखते हैं कि जिसकी जन्म पत्रिका में, जिस जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में गणमूल दोष है उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है पूजा में। ये कह दिया जाता है पूजा हम खुद कर लेंगे और आपकी जन्म पत्रिका से ये दोष मिट जाएगा। क्या ऐसा करना उचित है, क्या वाकई में ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है? देखो जहाँ तक और किसी पूजा का सवाल है वहाँ ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, महामृत्युंजय करना है, बीमार व्यक्ति तो आ नहीं सकता तो उसके घर से ही कोई आएगा या उसके नाम से ब्राह्मण संकल्प लेके करेंगे, तो ये चीज़ तो हो जाती है। लेकिन जहाँ तक गंडमूल शांति का सवाल है वो हो ही उस व्यक्ति के सानिध्य में सकता है जिसको गंडमूल यानी कि मूल लगा हुआ है। तो इसलिए अगर गंडमूल शांति की इन दशाओं को बात करें तो इसमें चाहे वो बच्चा बड़ा हो गया हो, कितने भी साल का हो गया हो, उसका होना आवश्यक है तभी गंडमूल शांति हो पाती है। दूसरी कंडीशन, गंडमूल शांति उसी नक्षत्र में होती है जिस नक्षत्र में वो बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि हम अपनी मर्जी से कर देंगे नहीं साहब,
इसलिए, नहीं तो वो दोष दोष रह जाता है। और पूरे विधान से, पूरे तरीके से ये होना चाहिए। अगर हम कोई अपने आप पूजन कर रहे हैं, रोज के दैनिक मंत्र जप रहे हैं, आप कैसे भी जपिए, भगवान सब स्वीकार करते हैं, कैसी भी भाषा में बोलिए, भगवान सारी भाषाओं को जानते हैं। लेकिन अगर आप ब्राह्मण के द्वारा कोई कर्म करा रहे हैं तो फिर वहाँ कोताही नहीं होनी चाहिए, वहाँ फिर पूरी विधि विधान से होना चाहिए। देखो, आप दक्षिणा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आपकी भावनाएं भी हैं और करने वाले की भी पूर्ण भावनाएं हैं, तो वहाँ फिर पूरा भावनाओं से कार्य होना चाहिए, वहाँ कोताही ना बरती जाए। अब हम लगे हाथ आपको बता देते हैं कार्तिक शांति। जो बच्चे कार्तिक माह में पैदा होते हैं, और कार्तिक माह में जनरल सी बात है, सूर्य जो होते हैं वो तुला राशि के होते हैं, हर वर्ष कार्तिक माह में सूर्य तुला राशि के हो जाते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। आपकी जन्म पत्रिका में अगर सूर्य तुला राशि के बैठे हैं तो आप समझ जाना कि आपको कार्तिक शांति करानी चाहिए। कार्तिक शांति में सूर्य भगवान के वैदिक मंत्रों का जप किया जाता है और उसके उपरांत उसका यज्ञ हवन किया जाता है। इन सब चीज़ों का हमारे जीवन के ऊपर आधो उपदान बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दर्शकों। अगर कोई चीज़ जिंदगी में सही से की जाए उसका फर्क जरूर पड़ता है। सही से साधना की जाए, सही से व्यायाम किया जाए, सही से खुराक खाई जाए, सही से प्राणायाम किया जाए, सही से किसी व्यक्ति से बात की जाए और सही से मेरे द्वारा आपको समझाया जाए तो फर्क तो आता है। लेकिन कहीं भी सही में सही ना हो तो फर्क नहीं आएगा। सही से पशु से प्रेम किया जाए तो पशु भी प्रेम करने लगता है। प्रेम की परिभाषा, आपकी आंखों की भाषा पशु भी जानने लगता है। पक्षी जो हमसे दाना डालते हुए कभी डरते थे और जब समझ जाते हैं कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, ये दाने हम उनके लिए डाल रहे हैं, तो पशु वो सॉरी पक्षी फिर उड़ते नहीं हैं, आराम से दाना चुगने लगते हैं। तो ऐसे ही कोई भी विधि हो, विधान हो, तरीके से हो। इसलिए बार बार कहते हैं आपके बच्चों की जन्म पत्रिकाएं सही समय पर बन जाएं तो बहुत कुछ पता लग जाता है, ताकि हम भविष्य के लिए उन सब चीज़ों को करा लें या हम उन चीज़ों को दिमाग में रखें। तो ये सारी बातें दर्शकों जन्म पत्रिका के ऊपर डिपेंड करती है, और इसीलिए कहा जाता है कि शुद्ध वैदिक तरीके से आप अपनी अपने बच्चों की जन्म पत्रिका जरूर बनवाया करें। तो दर्शकों, बहुत सारे ज्ञान से परिपूर्ण बातें आज आपने जानी हैं और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके बेहद काम में आएगी। चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिस वक्त मैं पहली बार गुरु जी से मिला, मुझे मिलते ही गुरु जी ने ये बताया कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आपको एक महीना बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। इन्होंने जो मुझे मंत्र दिया, आज उसकी बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। गुरुजी की बदौलत, गुरुजी ने जो मंत्र दिया, मुझे अटैक तो आया लेकिन मुझे दवा खाना जाने की पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रतिदिन अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु एवं अपने समस्त कष्टों के निवारण हेतु आप हमारे फेसबुक पेज से अवश्य जुड़ें। हमारा फेसबुक पेज है PROF.धर्मेंद्र शर्मा। इसी प्रकार से आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।